आज मैं ऊपर आसमां। अरे ये तो दीदी के कमरे की ओर जा रही है, कहीं उनसे माफी ना मांग ले। अरे गुंजन, आज कॉलेज नहीं है? है ना, बस निकल ही रही थी। पहले सोचा सीमा आंटी से मिल लूं। अरे वाह, तुम दीदी से मिलने के लिए जा रही हो? बहुत अच्छा कर रही हो। ये लो, हम तो भूल ही गए, हमने ना छत पर मिर्ची सुखाने के लिए रखी थी, हम वो ले आते हैं। तुम जाओ दीदी से मिल लो, वो अपने कमरे में ही है। सो रही है, उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। अरे पगली, जगाया तो उसे जाता है जो सच में सो रहा। हम तो सोने का नाटक कर रहे थे, फिर कैसे जगाती? कुंचन चलो, आज कॉलेज जाने में बहुत देर हो गई। चलो कुंचन, क्या हुआ? महिंग भैया को ढूंढ रही हो? देर होगी दीदी। आपकी बहू आपसे माफी मांगने आ रही थी। खबरदार, जो उसे हमारी बहू कहा तो। हाँ दीदी, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। नहीं, मजाक में भी ऐसा नहीं कहना। हाँ अच्छा ठीक है, पर पता है हमने उसे यहाँ आने से रोका था। हम तुम्हारा इशारा समझ गए थे। बस अब ना जल्दी से जल्दी हमें हमारे गहने वापस मिल जाए। पता है उसने हमारे पुराने गहनों को नया बनवा दिया है। हाय कितना सुंदर डिजाइन था। वो तो है, जब हमने उसके गले में देखा ना, इतना सुंदर लग रहा था। अच्छा होता कि हम पहले से ही ना उन्हें नया बनवा लेते। अरे नहीं दीदी, अगर ऐसा कर देती हैं आप तो आज का ये दिन हम देखते कैसे। ये मुंह दर्द हमारी पीठ पकड़ कर ही बैठ गया, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जान लेकर ही छोड़ेगा। लगता है कुंजन ने ये भूल दिए हैं, साथ में माफी भी जरूर मांगी होगी। माँ, मैं जानता हूं कि कुंजन ने गलती की है और मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। उसका मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था और ना कभी होगा। हाँ मैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर उसे एक बार आके दीदी से माफी तो मांग लेनी चाहिए थी ना। क्या गुंजन ने अभी तक माँ से माफी नहीं मांगी? मुझे लगा कि ये फूल गुंजन ने। ये फूल तो चारू ने भिजवाए हैं। उसका फोन आया था तो हमने उसे बताया कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम कर रही है। हम सब ने उसके साथ कितना बुरा किया, फिर भी वो हम सब का, पूरे परिवार का, खासतौर पे दीदी का कितना ख्याल रखती है ना। इतना सब कुछ हो गया पर कुंजन एक सॉरी नहीं बोल पाई।
कंचन, अब जाने भी दो ना, कितना सोचोगी? रचना, मानती हूँ मैं रचना की मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। सीमा आंटी का हार तोड़वाने से पहले उनसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। लेकिन रचना, जिस तरह से कल मयंक ने मुझे सुनाया, वो सही नहीं था। He was so rude. कुंजन, तुम जानती हो ना, मयंक भैया का गुस्सा ऐसा ही है, तूफान की तरह आता है और वैसे ही चला जाता है। पता नहीं रचना, मैं तो अभी हाय गर्ल्स। सो व्हाट्स अप? A rose for a rose? अरे साली साहिबा, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। अरे नहीं, आपकी हड्डी से हमारा कबाब खराब नहीं होगा। और वैसे भी बुजुर्गों ने कहा है ना कि साली आधी घरवाली होती है। So you have all the right. और वैसे भी मुझे तुमसे काम है। क्या है ना, I like the way you carry yourself. थोड़ा अपनी बहन को भी सिखा दो बात करना, मुझसे तो करती नहीं है। डन डील, लेकिन मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए। ओहो, गिव एंड टेक, नाइस पॉलिसी। वैसे भी वियान किसी का फेवर नहीं रखता। तो बेब्स टेल मी व्हाट यू वांट। कुछ नहीं, बस इतना प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बहन को हमेशा खुश रखोगे, कभी भी उससे फाइट नहीं करोगे। क्या आंटी टाइप प्रॉमिस मांगो? ऑफ कोर्स आई विल कीप हर हैप्पी, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। बस मैं यही चाहती हूँ। आई रियली विश सो। सीमा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुम्हें हमारी हाथ की बनी हुई खिचड़ी पसंद है, देखो तो कैसी बनी है। नहीं दीदी, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं। सीमा, हम समझ सकते हैं तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम आंसू बहाती रहो। हाँ, हम मानते हैं कुंचन से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन जरा ये भी तो सोचो, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। सीमा, हाँ दीदी, हम जानते हैं गुंजन ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बच्ची है वो, शायद उसे इतनी समझ नहीं है। कम से कम एक बार आकर हमसे माफी तो मांग लेती। कुंजन ने माफी नहीं मांगी? हम सुबह से कुंजन का इंतजार कर रहे हैं। कुंजन अब आएगी, तब आएगी, हमसे आकर माफी मांगेगी। उसे क्या लगता है हम उसे माफ नहीं करेंगे? खैर, नसीब अपना अपना। घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए हमें लग रहा है कि हमें ही उससे माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? गलती करे कोई और भरे कोई, जब आपने कुछ नहीं किया तो आप क्यों माफी मांगेंगी? माफी गुंजन को ही मांगनी पड़ेगी। चाची जी, हमें बहुत भूख लगी है, आज खाने में क्या बना है? ऐसे ही खाना खाओगी क्या? ओ, हम फ्रेश होकर आते हैं। अब सीमा आंटी कैसी हैं? उन्होंने कुछ खाया? ऐसी हालत में कहानी वाला गले के नीचे उतरता है। वो तो पहले से ही दुखी और परेशान थी, और अब ऊपर से बुखार। बुखार? ओह माय गॉड, मैं अभी उन्हें देखकर आती हूँ। अरे गुंजन सुनो,
हमने ना जोर जबरदस्ती से उन्हें थोड़ा बहुत खिला दिया था, अब वो आराम कर रही हैं। अच्छा सुनो, तुम हमारा एक काम कर दोगी? जी? छत पर वो कपड़े सुखा दोगी? हाँ, वो क्या है ना, घर में बहुत काम पड़ा है, वरना हम खुद ही। नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मैं कर देती। अब रचना सुनो, हाँ? गुंजन भी कॉलेज से आ गई ना? जी भैया। ठीक है, चाची गुंजन कहाँ है? वो छत पर गई है। हमें लगा था कि वो आते ही दीदी से कल के बर्ताव के लिए माफी मांगेगी, पर नहीं, शायद ईगो की वजह से। मैं अभी जाके उसे ठीक करता हूँ। अरे जाने दो मयंक, हर किसी का है ना अपना एक तरीका होता है, शायद गुंजन का यही तरीका है तो यही सही। तुम उसकी चिंता मत करो। अरे हम तो भूल ही गए, दीदी को दवाई देनी थी, तुम दे दोगे? हम जरा अपना ये काम निपटा लेते हैं। ठीक है। सर से कहीं हमें ये सब नहीं, नहीं लेकिन हे भगवान, विहान का फोन। हेलो। हेलो, कौन रचना? जी गुड, मैं तुम्हारे लिए फोन किया था। गुड यू पिक्ड अप। हमारे लिए? हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हारी स्वीट सी आवाज सुनने के लिए फोन किया था। एक बात बताओ, तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? आई नो तुम शर्मा रही होगी, राइट? देखो इसमें सर हिलाने की जरूरत नहीं है। उधर क्या देख रही हो? मैं वहां नहीं हूं। देखो I like the way you are. थोड़ी shy सी, थोड़ी sweet सी, but you know, कभी कभी ये shyness ज़्यादा हो जाती है। शर्माना अच्छी बात, लेकिन कभी कभी we need to talk. हम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को जान पाएंगे। सो कम ऑन, ओपन अप। देखो हमारी शादी होने वाली है, वी गोना बी हस्बैंड एंड वाइफ। लगता है शर्माने का दिन है। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम। चलो सी यू, बाय। अब बाय तो बोल दो। बाय। हाँ, कम से कम बाय तो बोला। देखो अपनी वो जो टॉकेटिव से सिस्टर है ना, उसे थोड़ा सा सीखो। उसे देखो बिना वजह बोलती रहती है और हमें कि तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरसते हैं। Anyway, see you. Bye. Bye.
गुंजन को क्या हो गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसी तो नहीं थी, माँ की कितनी इज्जत करती थी, और अब मयंक, अब सीमा आंटी कैसी हैं? क्यों, तुमने तो उनकी परवाह करनी बंद कर दी है ना, तो फिर फॉर्मेलिटीज के लिए ये सब क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो? मतलब अगर तुम्हें इतनी परवाह होती तो एटलीस्ट उनसे जाके मिलती तो सही। समय मयंक, मैं सुबह गई थी उनके कमरे में उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो सो रही थी। बेटा, अरे बेटा, तुम कब आई थी हमारे कमरे में? हम तो रात भर जागते रहे। इस दर्द की वजह से ना नींद आई ना चैन मिला, रात भर तड़पते रहे हम तो। नहीं नहीं आंटी जी, रात को नहीं, मैं सुबह आई थी। आप संगीता चाची से पूछ लीजिए। हाँ, गुंजन ने हमसे कहा तो था कि वो सीमा दीदी से मिलने के लिए उनके कमरे में जा रही है, पर उसके बाद हम छत पर चले गए थे तो हमने देखा नहीं कि वो गई थी या नहीं। पर मैं बस करो गुंजन, और कितना झूठ बोलोगी? झूठ? मैं? मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैं गई थी उनसे मिलने। एक मिनट, अब तुम दोनों ये बहस बंद करो। गुंजन बेटा, कोई बात नहीं, तुम अभी सीमा से माफी मांगो। अरे नहीं दीदी, तुम क्यों, माफी तो हमें मांगनी चाहिए तुमसे, हमें माफ कर दो बेटा। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो हमारी है, हमने तुमसे जबरदस्ती की, तुम्हें वो अपनी नानी का खानदानी हार पहनने के लिए दिया। हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम तो बड़े शहर की नए विचारों वाली लड़की हो। बेटा, हमें माफ कर दो, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। बस करो माँ, ये आप क्या कर रही हैं? नहीं, आप गुंजन के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? हाँ, अगर किसी को आपका प्यार, आपका अपनापन नहीं चाहिए ना, तो उसमें आपका नुकसान नहीं है, उसी का नुकसान है। पर वैसे भी आप यहाँ क्या कर रहे हैं माँ? चलिए कमरे में चलिए, आप आराम कीजिए। किसी नादान, घमंडी या बेवकूफ की वजह से आप परेशान मत हुई। चलिए आइए आराम से। मौसी, प्लीज प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, आई स्वेयर मैं उनसे। देखिए ना, घर में कितना कलेश हो गया, पर अब इस तमाशे को बढ़ाए बगैर यहीं खत्म कर देना चाहिए। काश के गुंजन एक बार दीदी का हाल पूछ लेती, तो ये सब होता ही नहीं। गुंजन, तुम भी ना। मौसी जी, प्लीज प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। इनफैक्ट मैं तो अब भी उनसे मिलने जा रही थी, वो तो संगीता चाची ने मुझे छत पे भेज दिया कपड़े सुखाने के लिए। प्लीज आप तो मेरा विश्वास कीजिए। ये सब क्या हो रहा है, किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। सुबह से गुंजन का इंतजार कर रहे हैं, गुंजन अब आएगी, अब आएगी, हम से आकर माफी मांगेंगे, उसे क्या लगता है हम उसे माफ नहीं करेंगे। मैं सुबह गई थी उनके कमरे में उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो सो रही थी। तुम कब आई थी हमारे कमरे में? गुंजन ने हमसे कहा तो था, पर उसके बाद हम छत पर चले गए तो हमने देखा नहीं कि वो गई थी या नहीं।
जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। सबले सो